वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए, जो क्लास टेन की नई बुक आ चुकी है अंबर, देख ही रहे हैं, ये अंबर है, अंबर भाग, ये जो अंबर है नई बुक है, आप लोग देख ही रहे हैं, अंबर भाग टू दसवीं कक्षा के लिए जो क्लास टेन के नई बुक आई है उसमें बच्चे लोगों को बहुत असुविधाएँ झेलनी पड़ रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा इसका ऊपर वीडियो क्यों ना बना दूँ। जो बच्चे असुविधा हो रहे हैं वो कृपया करके आप अपने नोट्स कॉपी लेके बैठ जाएं और यूट्यूब से ये मेरा जो लेक्चर है, मेरा जो वीडियो है, मैं समझाऊंगी जिस तरह हूबहू उसी को वैसे ही पेन एंड कॉपी अपना कॉपी में उठा लें, लिख लें, और एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूँगा इस तरह समझाने की, शायद टीचर भी आपको इस तरह ना ही तोड़ के समझाता है, इसलिए मैं सोचा कि तोड़ के समझाता हूँ, समझा दूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दए मग में डग दुए। यह पुरते निकसी मतलब तुरंत निकल रही है रघुवीर वधु, रघुवीर की पत्नी यानी श्री राम जी की पत्नी घर से निकल रही है। श्री राम जी की पत्नी यहाँ पे देख रहे हैं, ये सीता है, ये श्री राम है, ये लक्ष्मण है, मैं समझा रहा हूँ, बस ध्यान दीजिए। क्या है जे मैंने बोला रघुवीर की पत्नी जो श्री राम धरी धीरे मतलब बहुत ही धीरज रख के, डग मतलब मग में मतलब रास्ता में, डग मतलब कदम रखना, कदम रखती है, एक एक कदम धीरज से रखते हुए अपने घर से निकल रही है, वो भी श्री राम जी की पत्नी। समझ में आ गया एक लाइन का पूरा मीनिंग। यहाँ पे देखिए, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर हुए, मतलब यहाँ पे जल की भरी भाल कनी, झलकी भरी मतलब दिखाई दे रही है भालकनी, भाला मतलब हो जाता है माथा, माथों से पसीना आ रहा है, भालकनी यहाँ पे पसीने की जो झलक है सीता के शरीर से दिखाई दे रहा है, जल की वो जल की जो पसीने की वही जल की मतलब तो मालूम है जल, उनकी माथों से पसीना सरक रहा है, सीता की माथा से इतनी गर्मी चल रही है, वे घर से निकल चुकी है, पुट सूख चुकी है, पुट मतलब होठ, होठ सूख गया है, मधुराधर हुए इतने मधुर कोमल शरीर से ये सब घटनाएं हो रही है, मधुराधर मतलब मधुर, वे इतनी मधुर है सीता। फिर बुझती है चलनो अब कहते ही पर्णकुटी कढ़ियों कीत है, कितने सुंदर बात यहाँ पे देखिए कवि प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पे इसके इनके इनके राइटर को याद रखना पड़ेगा, तुलसीदास जी है। यहाँ पे देखिए, फिर बुझती इतनी कष्ट को सहन करते हुए जब वे जंगलों की तरफ यात्रा कर रही है, यानी जब 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं श्री राम को उनके पिताजी, तब ये बातें उसी घटना को लेकर ये लिखा गया है। तो सीता जब घर से निकल चुकी है, ये दो लाइन का मीनिंग मैंने समझा दिया, सीता की क्या कल्पना क्या दशा हो रही है वो भी मैंने समझा दिया, इसके बाद सीता क्या पूछ रही है, फिर बुझती, बुझती मतलब फिर पूछती है, कौन पूछती है, सीता, चलनो अब कहते ही जे अपनी पति परमेश्वर से श्री राम से पूछती है, जे परमेश्वर जी अब हमें कितना दूर चलना है, पर्णकुटी करियो कीत है, आप पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, पर्णकुटी मतलब कुटिया रहने के लिए, कहाँ पे आप पर्णकुटी मतलब पत्तों की जो कुटिया होती है, पत्तों की जो घर बनाइएगा पर्णकुटी, वो कहाँ पे बनाइएगा, ठीक है, अब कितना चलना है और कहाँ पे बनाइएगा, ये कौन पूछ रहा है, सीता पूछ रही है। तियकी लखी आतुरा पियकी अखिया अति चारु चली जल चुए, देखिए यहाँ पे मीनिंग देखिए, तीय मतलब होता है पत्नी, पत्नी, लखी मतलब देखकर, आतुरा मतलब बेचैनी, याद रखिए एक एक मीनिंग, तीय की में मतलब तीय का मीनिंग होता है पत्नी, लखी आतुरा, लखी मतलब देखकर, आतुरा मतलब बेचैनी, आखिया मतलब आँख, ये तो मालूम है आपको नैन, उसके बाद अति मतलब बहुत, चारु मतलब सुंदर, चली यहाँ पे देखिए, चली जल चुए, जल मतलब जल, मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए, पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर
पति परमेश्वर श्री राम के आंखों में आंसू आ जाता है, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया बच्चे? तियकी लखी आतुरा पियकी अखिया अति चारु जली जल चुए, मतलब अपनी पत्नी की दुर्दशा को देख के श्री राम की आंखों में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। समझ में आ गया? मैं ये पूरा व्याख्यांश 4 लाइन का समझाने वाला हूँ, फिर नीचे चलते हैं। व्याख्यांश में क्या लिखिएगा? जब नगर से निकलते ही श्री राम की पत्नी यानी सीता थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाती है, ये तो मालूम है, थक जाती है, उनके माथे पर पसीने आने लगता है। हमने पहले ही बोला भालकनी जल की, माथे पर पसीने आने लगता है तथा उनके कोमल होठ सूख जाते हैं। आप ये भी लिखिएगा कि कोमल जो होठ है वे सूख जाते हैं। वे श्री राम से पूछती है जे अब हमें कितने दूर चलना है तथा आप पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा स्वामी। ऐसी श्री राम की पत्नी उनसे पूछती है। क्यों पूछती है? उनका आप चला नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस व्याकुलता को देखकर, मतलब इस तरह की हालत, इस तरह की व्याकुलता को देखकर श्री राम के आँखों में आंसू आ जाता है। समझ में आ गया बच्चे? इतना दूर कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन, एकदम ध्यान से। यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरे पद में देखिए जे यहाँ पे क्या वर्णन किया गया है, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे वर्णन किया गया है जब ये सीता श्री राम और लक्ष्मण जब घर से निकलते हैं ना, तो उसके बाद वहाँ की जो गांव की स्त्रियाँ है वो तो देख रही है। देखने के बाद उन लोगों द्वारा कुछ कहा गया है, उन लोगों ने क्या कही है वो बातें यहाँ पे कौन रखा है? तुलसीदास जी यहाँ पे रखे है। रानी में जानी अयानी महा पबी पाहनहु ते कठोर हियो है, मतलब वहाँ की महिलाएं बोल रही है। क्या बोल रही है? जे रानी मैं जानी, रानी को मैं जानती हूँ, और ये जो रानी है रानी कौन? केकेई। रानी कौन थी? केकेई थी, राजा दशरथ थे श्री राम के पिताजी, और रानी थी केकेई। उन्होंने उनकी कुछ बातें की यहाँ पे रखा गया, उनके कुछ बातें जो है यहाँ पे वहाँ की जो महिलाएं हैं, ग्राम बधुए हैं, जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, ये राजा दशरथ को और रानी को कुछ बोल रही हैं। क्या बोल रही है? जो मैं रानी को जानती हूँ, रानी का हृदय जो पाहनु पत्थरों से भी कठोर हो गया है। रानी का जो हृदय है क्या हो गया है? पत्थरों से भी कठोर हो गया है। रानी का हृदय मतलब श्री राम जी के माता का। राजहु काजहु अकाजु न ज्ञानो कहो तियो को जही कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोगो जियो हो। यहाँ पे वो लोग क्या बोल रही है? जे बोलती है जे राजहु काजू, राजा जो राजहु काजू का मतलब हो जाता है जे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होना, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होना। जे राजा को भी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है। किसका? राजा दशरथ का। राजा दशरथ का भी कर्तव्य अकर्तव्य का, उचित अनुचित का विचार नहीं किया, उन्होंने उचित अनुचित ही नहीं देखा। वे केवल अपने पत्नी के कहने पर ही वन में भेज दिए। किसको भेज दिए? श्री राम और लक्ष्मण सीता को भेज दिए। ऐसी मनोहर मूर्ति, ये इतनी मनोहर मूर्त है, आप लोग देख रहे हैं सीता की इतनी सुंदर मूर्त थी, श्री राम श्री लक्ष्मण की इतनी मनोहर मूर्त है, इतनी मन को मोहने वाला जो मूर्ति है उन लोगों का चेहरा है। बिछड़े कैसे प्रीतम लोगो जियो, ऐसी सुंदर चेहरे को छोड़ के, मतलब बिछुरे मतलब बिछड़ के ये लोग कैसे जी पाएंगे? इन लोगों का हृदय कितना कठोर हो गया है, इतनी मनोहर मूर्त को दिल में रखने वाला मूर्त, जिनको लोग दिल में रखते हैं ये उन मूर्त को छोड़ दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? आखिन में सखी राखी वे जोगु इन्हें किमी बन बासु दियो है, अखियों में रखने वाले। आखिन में सखी, सखी देखिए जे ये जो मूर्त है ना, ये सदा मूर्त हम अखियों में रखने वाले मूर्त है। किसकी मूर्त? श्री राम और सीता की, लक्ष्मण की जो मूर्त है, इनकी मूर्त तो हमारे अखियों में रखने वाले हैं, हम तो अखियों में वास करते हैं इनको।
और इन ऐसी सुंदर इन मनोहर मूरत को वो लोग कैसे बिछुर के रह रहे हैं। इन्हें किमी बन वासु दिए, इनको वनवास कौन दिया है, कैसे वनवास दे दिए इन्हें और कैसे रह रहे हैं, कितना कठोर और पत्थर सा महान पाषाण उन लोगों का हृदय हो गया है। तो यहाँ भी समझ गए, ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, मैं पूरा व्याख्यान से बोल दे रहा हूँ। जे यहाँ गांव के महिलाओं द्वारा राजा दशरथ और केकई की निष्कुलता का वर्णन किया गया है। आप लिख लीजिए जे यहाँ क्या किया गया है। अगर वीडियो फास्ट चल रहा है तो आप थोड़ा स्टॉप करके वहाँ पर लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, जे गांव के जो महिलाएं हैं उनके द्वारा दशरथ और केकई की निष्कुलता का वर्णन किया गया है। एक स्त्री कहती है जे जानकी रानी बहुत अज्ञानी है, मतलब रानी केकई बहुत अज्ञानी है, उनका हृदय तो पत्थरों से भी कठोर हो गया है। राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का कोई विचार नहीं किया। आप लिख दीजिए जे व्रज के जो राजा दशरथ है वो भी उचित अनुचित, मतलब वही बोला गया काजू अकाजू, मतलब काम अकाम, कोई अनुचित का विचार नहीं किए। वे अपने पत्नी के बातों पे आकर श्री राम को ऐसी मनोहर मूरत को वे वन में भेज देते हैं, ये भी याद रखना है। और वहाँ पे वहाँ की महिलाएं कहती है जे ऐसी मनोहर मूरत तो मन में रखने वाली है, मन में बास करने वाला मूरत है, भले इनको छोड़ के बोले कैसे जी रहे हैं। और बोलते हैं ये हमारे अखियों में रहने वाले मूरत है और इन्हें वे लोग कैसे वनवास दे दिए, ये गाँव के महिलाएँ द्वारा कही जा रही है। आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो बच्चे मैं आज ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन किया, दो ही पद, और मैं आशा करता हूँ इसके जो बाद वाला पद है ये भी दो अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। तो आप लोग पार्ट बाय पार्ट हमारे वीडियो को देख लें और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मैं एक के बाद एक वीडियो डालूंगा ही और आप लोगों का फ़ायदा भी होगा। क्योंकि देखिए इस तरह का मैं तोड़ तोड़ के समझाया, शायद ही कोई समझाएगा आपको। और जो भी बोल रहा हूँ ये भी आप लिख लीजिए, आपका टीचर भी इस तरह शायद नहीं एक्सप्लेनेशन करके लिखाएगा, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बच्चे आप उठा लीजिए और ये गारंटी देता हूँ आपका जो मार्क है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपका सब्जेक्ट कौन सा प्रॉब्लम दे रहा है। मान के चलिए 100 में आउट ऑफ तो 80 में ला ही दूंगा, या 75, 80, 90 एबव तो जाएगा ही। अगर अच्छे स्टूडेंट है, पहले से थोड़ा जोर देने वाले स्टूडेंट हो तो 90 क्रॉस कर जाएंगे, और जो नॉर्मल भी स्टूडेंट है उनको भी 70, 80 में ला के रख दूंगा। सिर्फ मेरे वीडियो को देखते रहिए, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं उसका जो आंसर है या सोल्यूशन है मैं तत्पर रहूँगा देने के लिए। लाइक तो ज़रूर एक बनता है, लाइक कीजिएगा तभी एक मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भाई बच्चे को पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद ना आ रहा है तो फिर डिसलाइक कर दें और रीज़न भी लिख दें जो सर आपका ये प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैं आपको डिसलाइक किया। तो थैंक यू बच्चे, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी तरह बने रहिएगा हमारे चैनल से और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।